रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डॉक्टर मोहम्मद नईम असगर, फार्मासिस्ट हूँ मैं बाई ग्रेजुएशन, और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन फार्माकोलॉजी में, उससे मैंने एमफिल किया हुआ है। फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं अनाटमी, जिसका चैप्टर है थर्ड, और आज हम डिस्कस करेंगे अनाटमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। शाबाश, क्या चीज़ ज़हन में आती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से? दिल का निज़ाम, ठीक है, या वो सिस्टम या वो निज़ाम जिसके तहत जिस्म में ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन कौन सी चीज़ क्या कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अनाटमी, तो हम उसका क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। शाबाश, कि किस चीज़ की बनी हुई है और कैसे उसकी साख्त है। फॉलोइंग आर द मेजर ऑर्गन्स फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, ये इसका क्या है फंक्शन? सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, इंसानों में क्या होता है? ब्लड, खून। बहुत सारे जानदार हैं, उनमें खून की जगह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खून में चल रही होती हैं। जिस तरह हमारे अंदर लिम्फ भी है, उनमें खून होता ही नहीं, कुछ में खून का काम कुछ और चीज़ें कर रही होती हैं। ये हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी पे फोकस है ना हमारा। अब ऑर्गन्स उसने कितने बताए हैं देखते हैं। पहले नंबर पे उसने बताया हार्ट, क्या लफ्ज़ है ये? हार्ट, एक होता है हर्ट, तकलीफ देना, HURT। एक होता है हार्ट, आर साइलेंट है, दिल। एक होता है होठ, मुझे जी गरम रोटी दो, गिव मी होठ चपाती, ठीक है। चलो शाबाश, ये जो होठ पे आप फंसे हैं, कोई गलत लफ्ज़ ज़हन में आया आपके, है ना? क्यों आफ्ताब? एओर्टा, आठ के हार्ट के बाद एओर्टा, आगे आर्टरीज, आर्टरीज के बाद। शाबाश, ये मजीद तकसीम होके क्या बनाती हैं? आर्टरियोज। आर्टरियोज मजीद तकसीम होके कैपिलरीज, कैपलरीज। कैपलरीज जब दोबारा मिलती हैं वेन्यूल्स, जो कैपलरीज से बड़ी होती हैं, और वेन्यूल्स जब मिलती हैं उससे बड़ी बन जाती हैं वेन्स। अब मैं इस तरह खड़ा हूँ, मेरा दिल किस तरफ है? लेफ्ट साइड, बिहाइंड द रिब्स, और स्टर्नम के साथ। स्टर्नम ये दरमियान वाली हड्डी है जहाँ रिब्स जुड़ी हुई हैं, और लेफ्ट लंग के इधर है, फेफड़े भी है ना, फेफड़ों के इधर इस तरह जगह बनी होती है। अब हम इसकी लोकेशन ज़रा देखते हैं बेटे। लंग्स दोनों तरफ है, दरमियान में समझ लें इसे। चलो आज आपकी खुशी के लिए ना लड़की की शक्ल बनाते हैं, ठीक नहीं है? है हसन, कांटे पहना दिए इसे। कैसे हसन, ठीक है भाई? चलो सही, ये हो गया GIT, ठीक है। हमारा इससे ताल्लुक ही नहीं है आज, ये वैसे मैंने बना दी। इधर हो गए लंग्स, हार्ट किधर होता है? शाबाश, दरमियान में, इधर वो पसलियों को जोड़ने वाली स्टर्नम। दिल किस तरह का होता है?
जिस तरह क्लोज फिस्ट हो, इस तरह का होता है। नॉर्मली किस तरह बनाते हैं हम, जब अपनी बीवी बूवी को मैसेज करते हैं या इस तरह लव लेटर लिखते हैं, इस तरह का होता नहीं है किसी का भी दिल ना, ये किताबी दिल है। ठीक है, हम जब बनाया कभी ख्याली दिल कह ले, मशूकी वाला दिल कह ले। चलो सही, हार्ट इज अ कॉनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, इट इज लाइक अ क्लोज्ड फिस्ट। फिस्ट किसे कहते हैं? मैं भी तेरे मुक्की मारूंगा या मुक्का मारूंगा, क्या कहेंगे? आई विल हिट यू माई फिस्ट, मैं तुम्हें अपना फिस्ट किसे कहते हैं? बेटे ये क्लोज है ना, तो दिल की शक्ल इस तरह, जिस तरह बांधे मुट्ठी हो, ये बुक में इस तरह लिखा हुआ है। मुजम्मल मुस्कुरा नहीं रहे, कोई आपके काम की बात नहीं हुई अभी तक, है ना? इट्स वेट इज अबाउट 300 ग्राम इन मेल एंड 250 ग्राम इन 250 ग्राम का क्या मतलब है? 1 किलो का क्या कहेंगे हम? पाओ। शाबाश, एवरेज पाओ वजन है इसका। इट इंक्लाइंस मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, यानी ये बाएं तरफ है। द हार्ट लाइज इन द थोरेक्स, थोरेक्स ये पूरा हिस्सा है। बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम जहाँ पसलियां जुड़ी हुई हैं। बिटवीन टू लंग्स, ये बेटे सारी हम माशाल्लाह सारी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आपको अगर इसके वजन का पता है, औरतों में 250 ग्राम है, मर्दों में 300 ग्राम है। अब आपकी आंखें बंद हो, एक बंदा पीछे ना आपके इस तरह तराजू रख दे, वो कहे जी इसमें दो आर्गन पड़े हैं, एक का 250 ग्राम है और उसी तरह के आर्गन का, ये क्या चीज़ हो सकती है? तो उससे आप कह सकते हैं जी दिल का वजन तकरीबन इतना होता है। अब जिस तरह लंग्स का वजन आप पढ़ लें, भाई फर्ज करें 5 किलो होता है, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपसे कोई सवाल में पूछे विच आर्गन ऑफ द बॉडी हैज़ 5 kg वेट, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन हो विच आर्गन ऑफ द बॉडी हैज़ 1 kg वेट, दिमाग हो सकता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हर चीज़ का वजन होता है। देखिए हमने वो पढ़ा है, किडनी का भी वेट होता है, एवरेज काउंट करते हैं ना, कि एक बंदा जिसका 6 फुट का आधा है उसके किडनी का वजन इतना होगा, अगर वो 3 फुट का आधा हो जाए वो आधा हो जाएगा, ये अंडरस्टूड है ना? अच्छा बेटे, इस तरह का यह दिल हो गया,